नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और वक्त हो गया है जीएनटी स्पेशल का। आपके साथ मैं हूं रेखा कलाकोटी। आज धनतेरस के साथ ही शुरुआत हो गई है दीपावली महापर्व की। सारा देश खुशियों के त्योहार की तैयारियों में जुट गया है। घर, दफ्तर, मंदिर, बाजार, सब पर मानो रोशनी की चादर चढ़ गई हो। मन में उल्लास है और चेहरों पर खुशी। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं धनतेरस पर जिनकी खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है, और यही वजह है कि बाजारों में धनतेरस पर हर साल खरीदारी और बिक्री के नए रिकॉर्ड बनते हैं। यानी कि देश में धनतेरस के त्योहार पर वाकई धन बरसता है। आस्था के महापर्व का शुभारंभ, देश पर चढ़ा त्योहारों का रंग, बाजारों में बिखरी धनतेरस की उमंग। धनतेरस के साथ ही देश में दिवाली महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। दिवाली से पहले देश भर के बाजार त्योहार के रंग में रंग चुके हैं। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला धनतेरस पर्व धन, समृद्धि और खुशहाली का त्योहार है। धनतेरस को दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट उत्सव हुआ था, इसीलिए धनतेरस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य और औषधि के देव धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। धनतेरस को धन और संपन्नता की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत भी होती है। साथ ही धनतेरस को धन की रक्षा से जुड़े देवता कुबेर का भी दिन माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के चलते धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इनकी पूजा से आर्थिक समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। आपको बता दें कि 5 दिनों के दिवाली उत्सव में धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दिवाली शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ शॉपिंग अपनी पूरी करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ भीड़ देख के यही वापस लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड के पहले हालात थे, जिस तरीके से सारी चीजें नॉर्मल थी, वैसे ही नॉर्मल हालातों में लोग अब घर के बाहर पहुँचने लगे हैं। इस साल की दीपावली सबसे ज्यादा खास इसके लिए भी है क्योंकि अब दुकानदारों के चेहरे पे भी रौनक लौटने लगी है। जितना नुकसान पिछले 2 साल में उनको हुआ था, उस नुकसान की भरपाई जो है इस साल हो सकती है। एक लंबे अरसे के बाद बिना किसी बंदिश के त्योहार मना रहे लोगों ने यूं तो पहले ही दिवाली की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन लोग धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी जरूर करते हैं। 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा, इसीलिए जो भी आपको खरीदारी करनी है सारी खरीदारी इस समय के बाद करिएगा। यानी जब धनतेरस की शुरुआत हो जाएगी, त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी, तो 22 तारीख को शाम को 6:02 के बाद आप खरीदारी करिएगा तो अच्छा होगा। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी ही नहीं बल्कि कुछ खास चीजों को खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर लोग घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने की कामना के साथ नया सामान घर लाते हैं। ऐसे में इस दिन कुछ खास चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि स्वर्ण खरीदने से
निश्चित रूप से धन लाभ होता है, क्योंकि यह सिद्ध मुहूर्त है और सिद्ध मुहूर्त में सही समय पे यदि कोई कार्य किया जाए तो उसका फल हजार गुना हो जाता है। इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी, पीतल आदि के कुछ पात्र, बर्तन अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति चीजों को खरीद करके निश्चित रूप से खरीदारी की मुहूर्त संपन्न करता है, जिससे कि पूरे साल अच्छी अच्छी चीजों को खरीद करके सुख और साधन प्राप्त कर सके। धनतेरस को ही दिवाली की लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि ये घर के लिए सौभाग्य, सुख और शुभता लेकर आती है। धनतेरस पर सोने चांदी के गहने खरीदने को भी बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन अगर जेब इजाजत ना दे तो सोने चांदी का सिक्का भी खरीदा जा सकता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और माना जाता है कि चांदी कुबेर को बेहद प्रिय है, ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना अच्छा माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, इस लिहाज से धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पिछले कुछ सालों में धनतेरस के दिन नई गाड़ी खरीदने की भी परंपरा खासी लोकप्रिय हो चुकी है। माना जाता है कि इस दिन वाहन खरीदना शुभ होता है और इस दिन खरीदे गए वाहन से परिवार में खुशहाली आती है। आमतौर पर धनतेरस के दिन कोई भी नया सामान खरीदना शुभ ही माना जाता है, लेकिन मान्यताओं के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनकी खरीदारी से इस दिन बचना बेहतर है। उदाहरण के तौर पर जानकार धनतेरस के दिन कांच का सामान, लोहा और धारदार औजार, चीनी मिट्टी का सामान नहीं खरीदने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ये सामान शुभता का प्रतीक नहीं होते। खरीदारी की मुहूर्त है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे जो हमको आवश्यकता वो खरीद लें, लेकिन इसमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि नुकीली वस्तुओं को ना खरीदें। हो सके तो लोहे की चीजों को ना खरीदें, हो सके तो कांच की चीजों को ना खरीदें, इससे निश्चित रूप से बचना चाहिए। मान्यताएं अपनी जगह है, लेकिन धनतेरस के त्योहार पर इस बार बाजार खरीदारों से गुलजार है, तो वहीं जमकर हो रही खरीदारी के बीच व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यानी रोशनी के त्योहार की चमक इस बार हर दिल को रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के शुभ सिलसिले की शुरुआत हो गई है धनतेरस के साथ, लेकिन इस बार धनतेरस की तिथि को लेकर कई लोगों को कुछ शंका है। तो आइए ज्योतिष आचार्य शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं कि आखिर धनतेरस की तिथि कब से शुरू होगी और कितनी देर तक ये रहेगी और इस दौरान क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धनतेरस मनाया जाएगा 23 तारीख को और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को मनाया जाएगा। देखिए, जो त्रयोदशी तिथि है वो 22 तारीख को शाम को 6:02 पे शुरू हो रही है। त्रयोदशी तिथि 22 तारीख को शाम को 6:02 पे शुरू हो रही है और ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक समझने वाली बात आपके लिए ये है कि धनतेरस पर जो पूजा होती है या जो खरीदारी होती है वो होती है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल जो है वो आपको ज्यादा सही मिलेगा 22 तारीख को शाम को, क्योंकि 23 तारीख को शाम को प्रदोष काल लगभग 6 बजे तक समाप्त हो चुका होगा। इसलिए जो पूजा शाम को चूंकि की जाती है, पूजा ऐसे समय की जाती है जब रात्रि धनतेरस की हो और प्रदोष काल धनतेरस का हो। ये दोनों ही संयोग आपको 22 तारीख को मिल रहे हैं, इसलिए 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज्यादा सही होगा।
जो लोग उदया तिथि का सिद्धांत मानते हैं कि सूर्योदय किस तिथि में उदय हो रहा है, हम उसके हिसाब से मनाएंगे। वो 23 तारीख को मनाना चाहें तो मनाएं, लेकिन तकनीकी रूप से, टेक्निकली जो पूजा होगी धनतेरस की या धनतेरस पर जो काम किए जाएंगे वो 22 तारीख को ही किए जाएंगे, शाम को 6:02 के बाद में। इसीलिए हर हिसाब से, और अगर हम दृक पंचांग की बात करें तो उसके हिसाब से भी 22 तारीख को धनतेरस मनाना ज्यादा बेहतर होगा। धनतेरस 22 तारीख की शाम को मनाइए। धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है और मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर सागर की गोद से प्रकट हुए थे और इसी के चलते उन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। लेकिन धन्वंतरी की पहचान बस अमृत तक ही नहीं सिमटी है, बल्कि उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। यानी कि लक्ष्मी यदि हाथ में माया का आशीर्वाद देती है तो धन्वंतरी निरोगी काया का वरदान देते हैं। आरोग्य के देव, आयुर्वेद के जनक, देवताओं के वैद्य, धनतेरस को पूजे जाने वाले भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का प्रणेता माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वास्तव में पृथ्वी पर आरोग्य और चिकित्सा के ज्ञान को फैलाने के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अपना 12वां अवतार लिया था। पुराणों में भगवान धन्वंतरी से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन समुद्र मंथन की कथा धन्वंतरी के प्राकट्य की सबसे प्रचलित कहानी है। इस कहानी के मुताबिक जब समुद्र मंथन हो रहा था तब सागर की असीम गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी उन्हीं रत्नों में से एक है। जब समुद्र मंथन हुआ था देवासुर संग्राम होने वाला था। उस देवासुर संग्राम में राक्षस और देवता दोनों मिल करके यह निश्चित रूप से चिंतन करते हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त होगा उसको लेकर के युद्ध करेंगे। तो वहां से जब समुद्र मंथन होना शुरू हुआ तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था और आज के ही दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के ही दिन जन्म हुआ था, इसीलिए धन्वंतरी जयंती के रूप में यह दिन मनाया जाता है। लेकिन धन्वंतरी के प्रकट होते ही देवताओं और दानवों का झगड़ा शुरू हो गया। अमृत कलश के लिए देवता और दानवों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। इस झगड़े का अंत न होता देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को चकमा देकर अमृत कलश हासिल कर लिया। धन्वंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। मान्यता है कि धन और सौभाग्य देवी लक्ष्मी देती हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सेहत और लंबी आयु की भी जरूरत होती है, इसलिए धनतेरस के मौके पर धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस को ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए भी धनतेरस का दिन बहुत अहम है। इसके अलावा आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने विश्व भर की वनस्पतियों का अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव और गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी ने स्वास्थ्य वर्धन और चिकित्सा से जुड़े हजारों ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उनके ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही उपलब्ध है, जिसे आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था, जिसके बाद चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आयुर्वेद के ज्ञाता मानते हैं कि भगवान धन्वंतरी ने लगभग 100 प्रकार की मृत्यु का वर्णन अपने ग्रंथों में किया था। साथ ही भगवान धन्वंतरी ने मानव जीवन की आयु की एक एक माप बताई थी। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत,
सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता और अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शागर्धर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी आयुर्वेद का प्रमाण मिलता है, जिसमें चिकित्सीय और आयुर्वेदिक तथ्यों के प्रमाण मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि आज देश भर के बाजारों में धनतेरस की धूम है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देश के बड़े बाजारों का भी हाल दिखाते हैं, रुक करते हैं जहां पर धनतेरस के मौके पर धन बरस रहा है। कैसे देखिए। दिवाली से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। दो दिन पहले से ही अलग अलग जगहों पर, भोपाल हो या मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहर, वहां पर लोग सुबह से बाजारों में पहुंच रहे हैं दिवाली के लिए खरीदारी करने के लिए। आपको बता दें कि इस बार ये दिवाली इसलिए भी ज्यादा खास हो जाएगी क्योंकि दो साल 2020 साल 2021 ये दो साल ऐसे हैं जब त्योहारों पर कोरोना का बड़ा साया था और इसके चलते लोगों में एक तरीके से डर था त्योहार बड़े पैमाने पर मनाने को लेकर। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना का कोई खतरा है नहीं और इस वजह से लोग जो है बड़े पैमाने पर बाहर निकल के खरीदारी भी कर रहे हैं और एक तरीके से देखा तो बाजारों में पहले के मुकाबले बीते दो सालों की जो मंदी थी उससे जो दुकानदार परेशान थे उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत यहां पे महसूस हो रही है। भोपाल के न्यू मार्केट में इस वक्त मौजूद है। यहां पे अगर आप देखें तो जो लोग हैं वो जो खासतौर से दिवाली के लिए जो जरूरी सामान होते हैं, जो पूजा पाठ का सामान हो या फिर घर सजाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे खरीदने के लिए सुबह से ही निकल पड़ते हैं। देर रात तक बाजार जो है फिलहाल वो गुलजार रहने वाले हैं और धनतेरस क्योंकि शनिवार को है और ऐसे में धनतेरस से ही एक तरीके से फिर पांच दिनों तक चलने वाला ये जो दीप पर्व है इसकी शुरुआत हो जाएगी। रोशनी, दीयों और प्रकाश का पर्व दीपावली बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और अगर हम बात करें दीपावली को लेकर है, अब कहीं ना कहीं जो बाजार है वो सजने लगे हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बाजार है वो लोगों से गुलजार है। चाहे हम लाइट्स की बात करें या फिर हम दियों की बात करें या फिर हम दूसरे सामान की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि कल जैसे कि धनतेरस है तो दीपावली के दिन तमाम तरह की जो चीजें खरीदी जाती हैं उन्हें खरीदना है वो शुभ माना जाता है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सेक्टर 18 चंडीगढ़ से देख रहे हैं। तमाम तरह से जो मार्केट्स है, चाहे लाइट्स की दुकानें हो या फिर हम दियो मोमबत्तियों की बात हो या फिर मिठाइयों की बात हो, तमाम जगहों पर जो लोगों की भीड़ है वो इस वक्त नजर आ रही है। और इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के गांधीनगर इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो विक्रेता हैं यहां पर उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं दिए बेचने के लिए, मोमबत्तियां बेचने के लिए और बाकी जो घरों में सजावट की जो चीजें हैं वो भी यहां पर बेची जा रही है और लोग आ रहे हैं बाजारों में शॉपिंग करने के लिए। दरअसल जैसे कि हमें पता है कि पिछले दो वर्षों से जो है कोविड की महामारी थी इसलिए दीपावली काफी फीकी हुई, लेकिन इस बार चूंकि कोविड की जो स्थिति है उसमें नियंत्रण हुआ है, लोग बाजारों में अब जा रहे हैं और इस बार लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि दीपावली अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। परिवार जो है, परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे के साथ रहेंगे और दीपावली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे। और यहां पर जम्मू के गांधीनगर इलाके में आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं, सजावट की चीजें यहां पर बेची जा रही हैं, दिए बेचे जा रहे हैं। तो धनतेरस हो, दीपावली हो, उसकी शॉपिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहां पर जम्मू के बाजारों में भी लोग जो है खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और यहां पर जो सजावट का सामान खरीदा जा रहा है, दिए खरीदे जा रहे हैं और लोग काफी जो है इस बार खुश है। हम आपको लेके चलते हैं दो चार दुकानों के अंदर जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं। सोने की खरीदारी के लिए बड़ा मशहूर है जयपुर का ये जौहरी बाजार। आप देखिए किस तरह से यहां पर जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। कल धनतेरस का उत्सव है, यहां पर आप देखिए पूरा खरीदारी का माहौल चल रहा है। कस्टमर्स यहां बैठे हुए हैं, उन्हें जो है सोने के सेट्स दिखाए जा रहे हैं। देखिए जयपुर की ज्वेलरी जो है पूरे देश में, प्रदेश में और विदेश तक मशहूर है। यहां के डिजाइन्स, पैटर्न्स जौहरी बाजार से खरीदने के लिए विदेशी भी आते हैं, खूब सैलानी भी आते हैं पूरे देश भर से। कल यहां जो नजारा है और भी
जो भव्य होगा और भी अद्भुत होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे कस्टमर जो है वो खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक अलग ही माहौल है। दीपावली की खरीदारी के लिए कोलकाता के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और भीड़ भी ठसाठस हो रही है। हालांकि अभी भी कोविड से दो साल पहले तक जो पैमाना था वो पैमाना नहीं आ पाया है, लेकिन पिछले दो साल के मुकाबले काफी भीड़ हो रही है। मैं इस वक्त जद्दू बाबू बाजार में हूं भवानीपुर के, और यहां पर दोपहर के समय में भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं, धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं, छोटी दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं, दीपावली की खरीदारी कर रहे हैं। और दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि इस बार बीच में एक इतवार भी आ गया है, ऐसे में दुकानदारों को उम्मीद है कि इतवार को बहुत ज्यादा खरीदारी होगी और खास तौर पर शाम को इस बाजार में घुसा नहीं जा सकता है, इतनी भीड़ इस वक्त यहां हो रही है। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के बड़ा बाजार न्यू मार्केट में भी इसी तरह की भीड़ अभी पिछले कुछ दिनों से इस बार दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन प्रसून के साथ अनुपम मिश्र, जीएनटी कोलकाता। तो जीएनटी स्पेशल में आज हमने बात की धनतेरस की और कब आपको पूजा अर्चना करनी है, कब आपको खरीदारी करनी है और बाजारों में किस तरीके की रौनक छाई हुई है, ये सब कुछ आपने जाना। तो इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आप सभी को धनतेरस की ढेरों बधाइयां।